इला कितनी देर से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी। हाँ हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। ये क्या है? इज दिस अ ट्रिक क्वेश्चन? लिसन, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे सीरियस पूछ रही हूँ। व्हाट इज दिस? दूध का डब्बा है और क्या है? नहीं, ये दूध का डब्बा नहीं है, ये खाली दूध का डब्बा है जो तुमने खाली करके फ्रिज में रख दिया है। अच्छा, सॉरी। विल यू लिसन टू मी, दिस इज सीरियस। OMG, दूध का खाली डब्बा फ्रिज में पाया गया। पुलिस को बुलाओ, FBI की इंक्वायरी होनी चाहिए, स्कॉटलैंड यार्ड को फोन करो, 911। मैंने तुमसे हजार बार कहा जो चीज खत्म हो जाती है उसे फेंक दिया करो, लेकिन तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। ग्रोसरी तो तुमने कभी मेरे साथ जाके करनी नहीं है, घर के सारे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं। मैं ऑफिस जाऊं या ग्रोसरी करूं, तुम बताओ। ऑफिस मैं भी जाती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं घर का ख्याल भी रखती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, दैट्स इट। तुमने करना क्या है लाइफ में? दुनिया में अपनी बॉडी का नक्शा छोड़ के जाना चाहती हो, स्पेशली इस सोफे पे? व्हाट डू यू वांट मी टू डू? नथिंग, आई जस्ट वांट यू टू हेल्प मी। एट लीस्ट वीकेंड पे ही मेरे साथ कोई काम कर दिया करो। जगह जगह से तुम्हारे कपड़े, मोजे, हर चीज निकल रही होती है। शादी के पहले साल तुम्हें हर चीज में इंटरेस्ट होता था, तुम मुझ में दिलचस्पी लेते थे, लेकिन अब पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तीन साल हमारी शादी को हुए नहीं है, मुझे ऐसे लगता है जैसे 30 साल गुजर गए हैं। इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो छोटी छोटी बातों पर? एक दूध के डब्बे का इशू क्यों बना रही हो? इल्हान, बात दूध के डब्बे की नहीं है, बात तुम्हारे केयरलेस होने की है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बाथरूम जा रहा हूँ। एक तो मेरी समझ में नहीं आता, मैं जब भी तुमसे बात करने लगती हूँ तुम्हें बाथरूम क्यों याद आ जाता है? तो बाथरूम जाने के लिए भी तुम्हें एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी। प्रेशर तुम्हारी मर्जी से आता है क्या? यक, गंदे, और ये बाथरूम में मोबाइल कौन लेके जाता है? मैं लेके जाता हूँ, मेरा बाथरूम है। मैं बाथरूम में मोबाइल लेके जाऊँ या जहाज लेके जाऊँ, मेरी मर्जी। यू जस्ट डू दिस टू इरिटेट मी, राइट? ओह, मेरा बाथरूम जाना भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक अ किड? व्हाई कांट यू लिसन टू मी? थैंक यू। मेरी जस्ट लिसन। गॉड, सो अनोइंग। लुक एट दिस, ये क्या है? पता नहीं मामा इल्हान को क्या हो गया है, लगता ही नहीं है ये वही शख्स है जिससे मेरी शादी हुई थी। पहले वो मेरा ख्याल रखता था, मेरी शक्ल देख के समझ जाता था मुझे क्या चाहिए, किस मूड में हूँ, घंटों बैठ के मुझसे बातें करता था, और अब तो 5 मिनट वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। बेटा, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। 3 साल हो गए और अभी उसका प्रमोशन भी हुआ है, तो ऑफिस का प्रेशर तो होगा ना उसमें। प्रेशर मुझ पे भी है मामा, लेकिन मैं तो अपने घर को निग्लेक्ट नहीं करती ना। घर को नहीं, इल्हान को तो कर रही हो ना। क्या मतलब? तुम्हें शिकायत है कि वो बदल गया है, लेकिन तुमने ये सोचा है कि तुम 3 सालों में कितना बदल गई हो? क्या तुम पहले एक खाली दूध के डिब्बे पे इतना अपसेट हुआ करती थी? इल्हान की छोटी छोटी बातें पहले तुम्हें हंसाया करती थी, अब उन्हीं बातों से तुम अपसेट हो जाती हो। अगर मिलजुल के आगे बढ़ोगी तो जिंदगी खुशगवार गुजरेगी बेटा, और अगर हर चीज को नेगेटिवली लोगी तो फिर टेंशन ही बढ़ेगी और कुछ नहीं। आप हमेशा उसकी साइड लेती हैं, ऐसे लगता है जैसे वो आपकी औलाद है, मैं नहीं। मैं किसी की साइड नहीं ले रही बेटा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम दोनों की भलाई के लिए कह रही हूँ। मामा, मुझे मॉल जाना है, कुछ चीजें चेंज करवानी। ओके बेटा, मैं ख्याल रखना। जी। ईमान, जवेरिया, कैसी हो तुम? इतने साल बाद मुलाकात हो रही है, यूनिवर्सिटी की बात तो तुम इतनी गायब सी हो गई थी। आई नो, कहीं तुम उसी बात पे अभी तक अपसेट तो नहीं हो जिस दिन यूनिवर्सिटी में मैंने क्लास में टॉप कर लिया था? आई नो यू वर्क सो हार्ड, लेकिन मुश्किल से 2% नंबर कम थे, इतना तो दिल ना छोटा करती। नहीं नहीं जवेरिया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूनिवर्सिटी के बाद सब लोग ही इधर उधर हो गए थे। अच्छा, ये बताओ क्या कर रही हो आजकल? एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती हूँ। अभी तक शादी नहीं हुई? हो गई है, 3 साल हो गए हैं। और तुम? मुझे 4 साल हो गए हैं। जॉब कर रही हो? जरूरत ही नहीं है, बिलाल का तो इतना बड़ा बिजनेस है अपना, और वैसे भी शादी से पहले तो उसने मुझे साफ साफ कह दिया था जो मर्जी आए करो। वो क्या है ना कि बिलाल कहता है कि मैं उसकी प्रिंसेस हूँ, एंड यू नो व्हाट, एक्चुअली ही ट्रीट्स मी लाइक वन।
तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? बैंकर है। ओ भाई, बहुत बड़ी हाई पोस्ट पे है, बस यू समझो कि सीईओ के बाद वही है। अभी तक सीईओ की नहीं बना? चलो डोंट वरी, बन जाएगा। नो नो, आई एम नॉट वरीड। तुम दोनों हमारे घर कभी डिनर पर आओ ना, अपना नंबर तो दो, इस वीकेंड जरूर इंशाल्लाह डिनर पर आना। अब वो नो एक्सक्यूजेस, एक्चुअली क्या है ना, बिलाल पेरिस गया हुआ है और उसका एक दिन भी मेरे बगैर नहीं गुजरता। वो कल तक आ जाएगा, वो तो कहता रह गया कि मैं भी उसके साथ चलूँ। उसका तो एक दिन भी मेरे बगैर गुजारा नहीं होता। वो क्या है ना कि हम लोग पिछले महीने इटली से आए हैं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कहाँ गए लास्ट वेकेशन? हम लोग लाहौर गए थे, फैमिली वेडिंग थी, वो अटेंड की और उसके बाद वी वेंट टू लंदन। आई लव लंदन, बिलाल का तो ऑफिस है वहाँ पे। नेक्स्ट टाइम जाना तो मुझे जरूर बताना, मुलाकात होगी फिर। श्योर, चलो आई हैव टू गो नाउ। फॉर श्योर, टेक केयर, बाय। हाँ, बाहर आने की जहमत करोगे? हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हेलो, क्या कर रहे थे अंदर? क्या बाथरूम में क्या किया जाता है? अजीब सा इत्तेफाक नहीं है? मैं जब भी दरवाजे पे नॉक करती हूँ, मुझे अंदर से फ्लश की आवाज आती है, यानी कि तुम अंदर फारिग बैठे होते हो। ये स्टूपिड किस्म की जो वीडियो गेम्स खेलनी होती है, यहाँ बाहर आके तभी से बैठ के खेला करो। तुम एडवर्टाइजिंग से पहले क्या जासूसी करती थी? कम ऑन यार, खुदा को मान। तुमने बाथरूम को अपनी सफर क्यों बना लिया? ऐलान की छोटी छोटी बातें पहले तुम्हें हंसाया करती थी, अब उन्हीं बातों से तुम अपसेट हो जाती हो। अच्छा सुनो, वीकेंड पे कोई प्लान मत बनाना, हम डिनर पे इनवाइटेड हैं। डिनर पे? हाँ। कहाँ? वो मेरी एक स्कूल फ्रेंड है ना, जवेरिया, उसकी तरफ। जवेरिया? ओ, तुम्हारी जानी दुश्मन? कोई मेरी जानी दुश्मन नहीं है वो। एंड बाय द वे, इट्स नॉट जवेरिया, इट्स जय। खैर जो भी है, तुम्हारी राइवल तो थी। तुमने मुझे खुद ही बताया था कि तुम्हारा उसका कंपटीशन चलता है। एनीवेज, मैं तुम्हें मिल कहाँ गई? मॉल में मिल गई थी। आज भी वो उतनी इरिटेटिंग है। तो फिर तुम क्यों जा रही हो डिनर? क्या करती बाबा, वो इस तरह से मुझे बोल रही थी कि मैं नहीं मना कर पाई ना उसे। अच्छा हाँ सुनो, वो तुम मेरे साथ चल रहे हो? मैं वहां जाके क्या करूंगा? व्हाट डू यू मीन, मैं वहां जाके क्या करूंगा? कोई काम तो साथ कर लिया करो, उसका हस्बैंड भी तो होगा ना। और वैसे भी मैंने सुना है वो कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होगा। अगर वो बातों में पूछ लेना तो तुमने उसे ये कहना है कि हम लोग पिछले साल लाहौर से वेकेशंस करने गए थे लंदन। क्या? हाँ इट्स ओके, आई मीन वो भी तो इटली विटली की बातें कर रही थी, तो बस छोटा सा झूठ मेरे मुंह से भी निकल गया। लो भाई, कर लो गर्ल। पहले मार्क्स पे कंपटीशन होता था, वेकेशन पे होगा, वाह वाह। खैर तुम तो रहने दो, ये सारी बातें ना लड़कियों की होती हैं, तुम्हें नहीं समझ आएंगी। समझना भी नहीं है मुझे। थैंक यू सो मच।
better than we understand the rest of the world. फिलहाल मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा इधर देखो, शर्ट दिखाओ मुझे। हाँ अच्छा, वो आए तो उसके साथ अच्छी तरह से बात करना। क्यों, मैं अच्छी तरीके से बात नहीं करता? मुझसे तो हर वक्त लड़ते रहते हो। हाय एलहान, दिस इज जवेरिया। हाय, आई एम जैव। ओह, आई एम सो सॉरी। आपके बारे में ईमान से मैंने बहुत जिक्र सुना है, फाइनली आपसे मुलाकात भी हो गई। Obviously, सुना तो होगा, ईमान इतनी अच्छी दोस्त जो थी स्कूल में। This view. Thanks. आप लोग प्लीज बैठे ना। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो न्यूयॉर्क से इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया था, अभी भी इतना काम रहता है, बस टाइम ही नहीं मिलता। ईमान, उस दिन तुमसे मिलने के बाद मुझे इतना नॉस्टैल्जिया हुआ, मैंने फौरन से स्कूल की पुरानी तस्वीरें निकाल ली। स्कूल पिक्चर्स? हाँ ये देखो, मैंने कुछ निकाल के रखी हैं। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे हस्बैंड किधर हैं, उन्हें बुलाओ ना। इलहान को भी कंपनी मिल जाएगी। ओ गॉड, देखो ना मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, मैं तुम्हें मैसेज करना ही भूल गई। कौन सा मैसेज? बिलाल को अपना पेरिस वाला टूर थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा, तो उनकी तरफ से वो कह रहे थे अपोलोजाइज कर लीजिएगा। बिलाल का तो इतना दिल चाह रहा था आने का, वो तो कह रहे थे कि बस वो पहली फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, काम है तो वो करके ही आए। डोंट वरी, मैं आप दोनों को बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगी। वेल, लेट्स हैव अ लुक एट द पिक्चर्स। पहचाने इसमें से हम कौन है? शो हृदय फीजी, ये रही हैं आप तो बिल्कुल वैसी ही लगती हैं। ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ईमान कहाँ है? ईमान, कमाल की बात है, आप अपनी बीवी को नहीं पहचाने, मेरे साथ में ही तो खड़ी है। ईमान ये तुम हो? ऐसा लग रहा है कोई टीचर खड़ी हुई है। टीचर नहीं है, मैं ही हूँ। इतनी मोटी? कहाँ से मोटी, थोड़ी सी ओवरवेट थी। थोड़ी सी? काफी मोटी लग रही हो। थोड़ी सी। ओहो, इसे तंग नहीं करें, स्कूल में वैसे भी इसको बहुत लोग तंग करते थे। यू नो एलान, मुझे बचपन से एड्स की बहुत ऑफर थी, और इसी बात को लेके ईमान इतनी अपसेट हो जाती थी, रोना शुरू कर देती थी। इनफैक्ट कॉलेज लाइफ तक इसका इसी बात पे मजाक उड़ता था। रियली? प्लीज हम लोग कोई और बात करें। ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाई थी। थैंक यू सो मच। अच्छा एक्सक्यूज मी, मैं जरा खाने को चेक कर के आती हूं। श्योर श्योर। व्हाट अ स्वीट गर्ल। नो शी इज नॉट स्वीट एट ऑल। बाद में ना घर जाके बात करूंगी मैं उनसे। मोटी ईमान को देखें। लिसन प्लीज स्टॉप इट। तुमने देखा था, वो जानबूझ के मेरी स्कूल की पिक्चर्स दिखा रही थी। खुद को बहुत बड़ी मिस यूनिवर्स समझती है। उसकी हमेशा कोशिश होती है कि वो मुझे एम्बैरेस करे। क्या हो गया ईमान? It was all in good fun. देख रही थी मैं, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था। तो क्या नहीं आना चाहिए था? बड़े इंप्रेस हो रहे थे तुम मिस जैफ से। क्या हो गया ईमान? इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारी कहानियां सुन के मजा आ रहा था, और तुमने तो बहुत वेट लूज किया है, तुमने कभी बताया नहीं मुझे। तुम्हें टेंशन हो रही है कि मैं फिर से मोटी ना हो जाऊं, और अगर हो गई तो क्या करोगे, छोड़ दोगे? मैंने ऐसा कब कहा है? नहीं तो कहना क्या चाह रहे हो, मैं एहतियात करूं, ख्याल रखूं, डर जाऊं इस बात से? मैं सिर्फ मजाक कर रहा था ईमान। इट वाजंट फनी। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं कितनी कॉन्शियस हो जाती हूँ, मुझे नहीं कोई शौक अपनी पुरानी मोटापे की बातें करने का। अच्छा फाइन, आई एम सॉरी। सुनो अब मुझे भी जैफ को डिनर पे बुलाना होगा। क्यों, हमने भी तो ये डिनर जबरदस्ती अटेंड किया था। हाँ तो उसे इनवाइट कर लिया है ना। तो व्हाट डू यू मीन, तो अब हमें भी डिनर करना पड़ेगा। लेकिन तुम तो उसे पसंद नहीं करती। बाबा इससे पसंद ना पसंद का क्या ताल्लुक है? आई एम लॉस्ट। नो यू आर नॉट, यहाँ से राइट ले लो। पता है मुझे कहाँ जाना है। Hello. Hi, Jaya. Thank you so much for yesterday. I'm so happy to hear that. अच्छा वो तुमने फोन कर लिया, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। क्यों, खैरियत? एक्चुअली आज मेरी और बिलाल की एनिवर्सरी है।
Wow, what a coincidence. Actually, हमारी एनिवर्सरी कल होती है. हम में कितनी सिमिलैरिटीज हैं. After all, best friends जो थे. इमान, तुम जानती हो बिलाल इतना स्वीट है. उसने मुझे इतना अच्छा और एक्सपेंसिव सा ब्रेसलेट गिफ्ट किया है. रुको एक मिनट, मैं तुम्हें पिक्चर सेंड करती हूँ. नहीं नहीं, जा, it's okay. मैंने actually. एक सेकंड, just hold on. Okay, hold. मिली तुम्हें पिक्चर? हाँ, एक मिनट. वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा है. देखते हैं ऐलान तुम्हें अब क्या गिफ्ट करता है. अच्छा जैफ, सुनो, मैंने तुम्हें डिनर पे इनवाइट करने के लिए कॉल की थी. अगर परसों तुम और बिलाल कुछ कर नहीं रहे तो आ जाओ हमारी तरफ. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू इमान. एक्चुअली बिलाल को ऑल ऑफ अ सडन पेरिस से लंदन जाना पड़ गया. इनफैक्ट मैं भी नेक्स्ट वीक जा रही हूँ. तुम जानती हो उसने मुझे साफ साफ बोल दिया कि उसका तो एक दिन ही मेरे बगैर गुजरता. ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो जैसे ही वापस आता है फिर डिनर कर लेंगे. डोंट बी सिली इमान, मैं आ जाऊंगी. एक दफा जब बिलाल आ जाए तो वी प्लान समथिंग एल्स. चलो जल्दी से मुझे अपना एड्रेस सेंड करो. आई विल सी यू देन. ओके ओके, बाय बाय बाय. एनिवर्सरी के क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? पता नहीं मामा, शायद डिनर पे चले जाएं. वो भी अगर इलहान को याद रहा तो. उसे याद क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक उसने कोई जिक्र नहीं किया. तो तुम उसे याद दिला दो. मामा क्या क्या याद करवाऊं मैं उसे? क्या हो गया बेटा तुम्हें? क्यों इतनी मायूसी वाली बातें कर रही हो? अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है और हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई कमी होती है बेटा. एक अच्छी शादी वही होती है जिसमें एक शख्स दूसरे की कमी को पूरा करता है. अब अपनी अना को बीच में मत लाओ. कोई भी कपल परफेक्ट नहीं होता. मामा आप और बाबा तो है ना, मैंने आप दोनों को एक दूसरे के साथ हमेशा बेहद खुश देखा है. बेटा उसके पीछे 30 साल की मेहनत छुपी हुई है, बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस हैं, बहुत मुश्किल से हासिल होती है ऐसी जिंदगी, बेहिसाब कुर्बानियों से हासिल होती है ये खुशी. लेडीज एंड लेडीज, खाना तैयार है. वाह बाबा, आपने तो रिटायरमेंट के बाद मामा को भी कुकिंग में पीछे छोड़ दिया है. वैसे अब आपको मास्टर शेफ के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए. थैंक यू वेरी मच माय डियर. लेकिन बेटा शागिर्द शागिर्द होता है और उस्ताद उस्ताद होता है. अच्छा अब ज्यादा बातें मत बनाएं, खाना ज्यादा खिलाएं. अरे भाई बेगम, ये सब हम आप ही के लिए तो कर रहे हैं. बच्ची जवान हो गई है लेकिन आपका बचपन अभी तक नहीं गया. अरे भाई इसकी जवानी से हमारी उम्र का क्या ताल्लुक है? अच्छा चले ना, चल बेटा. आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ. तुम 8 बजे की डिनर रिजर्वेशन करवा लेना. हाँ कहाँ जाना है? कहीं भी. ठीक. ओके बाय, आई लव यू. आई लव यू टू. Thank you.
I'm sorry. मैंने मीटिंग से निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया. हम कल डेफिनेटली डिनर पे जाएंगे, ठीक है? सर I'm sorry. क्या हो गया? सॉरी करने से ना ठीक नहीं हो जाती चीजें. तो मैं क्या करता? मीटिंग छोड़ के आ जाता. हाँ जाहिर है छोड़ के आ जाते. पहले तो 1 month एनिवर्सरी भी तुम सेलिब्रेट करने आ जाते थे, तो अब क्या हो जाता है? उस वक्त की बात अलग थी, अब मेरी पोजीशन डिफरेंट है. अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी है. मैं अपने काम को सीरियस लेना चाहता हूँ. और हमारा रिलेशन, इस रिश्ते की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम पे. तुम अंधे हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आता हम दोनों के बीच में कितने फासले बढ़ते जा रहे हैं? तो किसकी गलती है ये? वाओ, अब तुम ये कहोगे कि इसमें भी मेरी गलती है, राइट? तुम छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? मुझे तुमसे बात करने से पहले 10 दफा सोचना पड़ता है, न जाने कौन सी बात तुम्हें बुरी लगती है. तुम भी पहले ऐसी नहीं थी. तो ठीक है, मत बात करो. ये जहमत भी करने की क्या जरूरत है तुम्हें? ईमान, अगर हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ये डिनर करने की जरूरत ही क्या है? जस्ट कैंसिल इट. तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं. मुझे अपनी कमिटमेंट्स का ख्याल अच्छी तरह से रखना आता है. ठीक है, फाइन, जो तुम्हारी मर्जी से. वैसे ईमान, तुमने तो कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ कर ली. नहीं भाई, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं. तुम तो जानती हो ना मैं कितनी डाइट कॉन्शियस हूँ. वैसे तुम्हारा घर अच्छा है, छोटा सा, क्यूट सा, कूजी सा. थैंक यू. सब कुछ ईमान ने ही किया है. बाय द वे, ये देखा मेरा एनिवर्सरी प्रेजेंट? वाओ, इट्स ब्यूटीफुल. तुमने क्या दिया ईमान को? मुझे इल्हान ने अंगूठी दी थी. ओ अच्छा, दिखाओ. वो थोड़ी ढीली थी तो बनने के लिए दी है. ओहो, चलो जब वापस आ जाना तो मुझे जरूर दिखाना. डायमंड की है? हाँ, डायमंड की है. गुड जॉब इलान. एक्सक्यूज मी, मुझे ऑफिस का थोड़ा काम है, आप लोग प्लीज एंजॉय करें. श्योर. ही सो स्वीट. तुम कितनी लकी हो ईमान. थैंक्स. क्या हुआ, वहां से उठ के क्यों आ गए? क्योंकि मुझे लग रहा था जिस शौर के बारे में तुम बात कर रही थी वो मैं नहीं था. तो क्या करती? उसको ये कहती कि मेरे मियां ने हमारी एनिवर्सरी पे मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया ताकि वो जीत जाए. ईमान, तुम ये हार जीत का खेल किसके साथ खेल रही हो? यहाँ पे हारने वाले सिर्फ हम हैं. और आज मुझे पता चला है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितने गिले हैं. ना मेरी जॉब तुम्हारे स्टैंडर्ड पर उतरती है और ना ही मैं. तुम इतनी सारी बातों में सिर्फ यही जान पाए? तुम अब भी अपनी कोई गलती मानने को तैयार नहीं हो ना? क्या तुम हो? आई एम सॉरी कि मैं हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे तुम्हें किसी जगह पे डिनर पे नहीं ले जा सका. मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और मुझे आज एहसास हुआ है कि मैं कितना बुरा हूं. एनीवेज, आई थिंक हमें अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए. आई थिंक आई नीड सम स्पेस. I really do. क्या हो गया ईमान बेटा? मैं मानती हूँ कि एलान की बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन उसके बारे में भी तो सोचो, कितना हर्ट किया है तुमने उसे.
खुद को उसकी जगह पे रख के देखो बेटा। तुम्हारे नजदीक तो ये एक छोटा सा झूठ था, मगर उस झूठ की वजह से तुमने उसे इतना नीचे दिखा दिया। अगर यही सारी बातें वो अपनी दोस्तों के सामने तुम्हारे लिए कहता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम भी तो यही सोचती ना बेटा। तुमने उसे वो जिंदगी कभी नहीं दी बेटा जिसका उससे अरमान था। मुझे पता ही नहीं चला मेरे अंदर कब इतना जहर भर गया। मामा, इलहान को अपने करीब लाने की कोशिश में उसको खुद से दूर करती गई मैं। I don't know, मैं जवेरिया से मिलने के बाद मुझे अपनी जिंदगी के खला का एहसास होने लगा। बेटा, कभी अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से मिलाने की गलती मत करना। बंद दरवाजों के पीछे क्या कहानियां हैं कोई नहीं जानता। तुमने जो जवेरिया के साथ ये खेल शुरू किया है ना, इसे अभी और इसी वक्त बंद कर दो बेटा। इंसान को ना शुक्रा नहीं होना चाहिए, अपनी रहमतों को गिनो, जहमतों को नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा। आज के दिन मैं तुमसे अहद करता हूं कि मैं तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। Iman, what a surprise! कैसे आना हुआ? तुमसे जरूरी बात करने आई हूँ। जरूरी बात? सब ठीक तो है? मैंने तुमसे झूठ बोला था। कैसा झूठ? जब हम लोग कभी लंदन नहीं गए, हनीमून के लिए भी हम लोग सिर्फ मरी गए थे। सच बात तो ये है कि शादी के बाद से हम लोग कभी पाकिस्तान से बाहर गए ही नहीं। इलहान बैंक में ब्रांच मैनेजर है और हमारी शादी की एनिवर्सरी पे उसने कोई गिफ्ट नहीं दिया मुझे। उस दिन हम लोगों की लड़ाई हो गई थी। I know it's very immature, but तुम्हें जब देखा मैंने तो मैं फिर से स्कूल वाले कॉम्पिटिशन में चली गई थी। मेरे और इलहान के प्रॉब्लम्स बहुत हैं, छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन मुझे अपनी लाइफ स्टाइल से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रही।
मेरे झूठ की वजह से इलहान हर्ट हुआ है, उसको बुरा लगा है एंड आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ तुम लंदन जा रही हो और शायद वापस आके मुझसे मिलना नहीं चाहते। मैं कहीं नहीं जा रही। सच तो यह है कि बिलाल अपने काम में बहुत मसरूफ रहते हैं और अक्सर वो पाकिस्तान में होते भी नहीं हैं, ना ही मुझे अपने साथ लेके जाते हैं। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ ईमान। अपनी ज़िंदगी के अकेलेपन को दूर करना चाहती हूँ, इसी वजह से झूठ को ही सच मान लेती हूँ। दूसरों के सामने अपनी ज़िंदगी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताती हूँ, इसी वजह से ताकि शायद अपनी महरूमी की चुभन को कम कर सकूँ। ये सच है कि वो ब्रेसलेट मुझे बिलाल ने ही भिजवाया था और कार्ड पर भी ज़रूर बिलाल का नाम था, मगर ये सब कुछ उसकी पीए ने करवाया है। सच पूछो तो मुझे ज़्यादा खुशी तब होती जब ब्रेसलेट नहीं बिलाल खुद आ जाता। हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं, अगर पहले ही एक दूसरे को सच बता देते तो शायद दिल का हाल बांध लेते। आई एम रियली सॉरी जनेबिया। तुम बहुत लकी हो ईमान, तुम इलान से बात कर सकती हो, उसे लड़ सकती हो, उसे मना सकती हो। मेरी शादी तो बिलाल की पीए के साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। थैंक यू। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ईमान एक्चुअली अपना फोन नहीं उठा रही थी, मैं समझा शायद यहाँ होगी। ईमान जवेरिया की तरफ गई है, तुम फिक्र मत करो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो ये सारा किस्सा खत्म ही करने गई है। आंटी क्या मैं बुरा शोहर हूँ? नहीं, देखो बेटा, शादी के बाद एक रूटीन में फंस जाना कॉमन सी बात है, मियाँ बीवी एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन बेटा जो अल्फाज मुंह से निकलते हैं ना, उन छुपे जज्बात को सुनने की कोशिश करो, वक्त के साथ साथ अल्फाज बेमायने हो जाते हैं लेकिन जज्बात पे ही रिश्ते कायम रह जाते हैं बेटा, और कभी कभी जज्बात को जाहिर करना अहम हो जाता है। इलहान बेटा तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम। बस अभी आया हूं। ईमान तो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई है। जी बस उसे ही लेने जा रहा हूँ, सोचा रास्ते में आप लोगों से मिलता चलूं। अच्छा किया। ये क्या है अंकल? हाँ हमें क्या पता कि मेहमान आए हुए हैं, हम तो अपनी बेगम के साथ वैलेंटाइंस डे मनाने आए थे। वैलेंटाइंस डे तो कल है अंकल। बेटा हमारे लिए तो हर दिन वैलेंटाइंस डे होता है, क्यों बेगम? बिल्कुल। तो फिर कुछ मीठा हो जाए। शादी के 30 साल बाद एक ही मशवरा दूंगा बेटा, हर दिन ऐसे मनाओ जैसे आखिरी हो। हम दोनों ने भी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, जिंदगी काम के हवाले कर दी, बहुत से दिन नाराजगियों में गंवा दिए, वो वक्त वापस नहीं लौटता बेटा। लेकिन बुढ़ापे में एहसास होता है अपनी खुशी, अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी सेलिब्रेट करने का कोई मौका नहीं होता, माँ बाप के बनाने पड़ते हैं, क्यों बेगम? ठीक कहा ना मैंने? अब मैं चलता हूं अंकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके बेटा। थैंक यू आंटी।
इल्हान, इल्हान, ये कहाँ चला गया? ये सब क्या है? Happy wedding anniversary. Happy birthday. Happy Valentine's Day. Happy 365 days of the year. आज से हमारा हर दिन स्पेशल होगा, क्योंकि आज भी तुम मेरे लिए उतनी स्पेशल हो जितनी 3 साल पहले थी। बस फर्क यह है कि मैं अपने जज्बात को जाहिर करना भूल गया था। I'm also sorry. Trust me, मुझे डर जैसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे हमारी वही पुरानी जिंदगी चाहिए जिसमें मेरे साथ तुम थे। थैंक यू। देखिए मैडम, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए डिनर बनाया। वाओ, आई एम इंप्रेस्ड। कभी कभार हम भी कुछ घर के काम कर लेते हैं। श्योर, प्लीज हैव अ सीट। लेकिन उससे पहले कुछ मीठा हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफी नहीं है। ईमान, विल यू मैरी मी अगेन? यस। स्वेटर पहनाते हैं इसमें? अच्छा। It is your favorite chocolate. Yeah. क्या आप ही अकेली पूरी खाएंगे? क्यों? एक मेरे हाथ से भी। लिटिल बाइट, बिग बाइट, गुड। और आपके लिए एक और भी सरप्राइज है। What? शायद तुमने नोटिस नहीं किया। लुक अंडर योर सीट। आई वांट टू किल यू। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम कभी नहीं सुधरोगे। रिलैक्स, मजाक किया था। ठीक, बताओ के अब मैं रास्ते में? बिल्कुल नहीं। कोई गिला तुम्हें? नो। कोई जबरिया के मसले मसाए?